जय श्री राम आप सभी को। मेरे इट्स मेहता स्माइल के सब्सक्राइबर, सॉरी सॉरी हर्ष मेहता के सब्सक्राइबर। अब वैसे दोनों बातें एक ही है यार, वो मेरे चैनल अभी तक मुझे नहीं मिला है। कहीं करूँ हूँ आपको समझ में नहीं आ रही कुछ कहीं करूँ। तो खैर कैसे हैं आप लोग सभी? थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ा गई थी, अभी भी थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, सर्दी वर्दी चलती रहती है। और सबसे पहले तो भूमिका दी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, आपकी फैमिली अब 1 लाख क्रॉस हो गई है। एंड बहुत जल्दी उम्मीद है मुझे कि आप 1 मिलियन को भी क्रॉस करें, 10 मिलियन क्रॉस करें, 100 मिलियन भी क्रॉस कर लें। वो कर भी लेंगे आप में इतनी कैपेबिलिटी है, आपके सब्सक्राइबर में उतनी कैपेबिलिटी है, आपकी क्वालिटी, आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं कि आप 1 लाख। तो एक ट्रायल था वो, जैसे क्रिकेट मैच के पहले होता है ना प्रैक्टिस मैच, तो 1 लाख सब्सक्राइबर तो समझ लीजिए कि एक प्रैक्टिस था, मतलब ठीक है मिल गया, पर बहुत मेहनत से मिला है, मजाक मस्ती नहीं, बहुत मेहनत से मिला है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको दीदी उसके लिए, और ऐसे ही आप अपना काम करते रहिए। और मैं आपसे इंस्पायर होकर मैंने चैनल स्टार्ट किया था, एक चैनल स्टार्ट किया था जिसके 100 सब्सक्राइबर हुए थे, उसके बाद दूसरा चैनल स्टार्ट किया उसके 200 सब्सक्राइबर भी हो गए मेरे। तो अब मेरे लिए तो 200 सब्सक्राइबर भी 2 लाख सब्सक्राइबर के लिए बराबर है, क्योंकि बहुत छोटे से स्टार्ट किया था मैंने, बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट किया था। मतलब मैं उस चैनल पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, वो तो मैं इसलिए आया क्योंकि मुझे उस चैनल की आईडी पासवर्ड भूल गया था मैं, और शायद मेरा चैनल वैनल भी कुछ हैक हो गया था, कुछ पटांग वीडियोज़ मेरे चैनल पर डल गए थे, कुछ पॉन्स टाइप की वीडियो मेरे चैनल पर डल गए थे, जिस वजह से मुझे उस चैनल को रोकना पड़ा। अभी तक वो चैनल मेरा सही से काम नहीं हो पा रहा है उसका, मैं जल्दी उस पर काम करूँगा जैसे मुझे समय मिलता है उस पर। तो खैर आज के मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं, सबसे पहले तो दीदी को मैंने बधाई दे चुका हूँ, और हाँ मैं उनको व्हाट्सएप पे भी बधाई दे चुका हूँ, पर्सनली तो मेरी बात हुई नहीं है उनसे, बट उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था उनके चैनल का और मैं देख नहीं पाया था। मैंने हालाँकि मैं उनके चैनल पर हमेशा अपडेट देता हूँ, बट शायद अपने कुछ काम में लगा हुआ था, उनको पता है मैं किस काम में लगा हुआ था अभी काफ़ी टाइम से। आज भी मैं एक इंटरव्यू में गया था, वहाँ पे से उनको मैंने मैसेज किया था कि दीदी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो हालांकि वो बहुत जल्दी रिप्लाई दे देती थी मुझे, तो बहुत अच्छी बात है। एक दूर आउट ऑफ स्टेशन MP से कोसों दूर वेस्ट बंगाल में मेरी एक सबसे प्यारी दीदी हैं, जो मुझे हर मोमेंट पर सपोर्ट करती हैं, डांटती भी हैं, बात अलग है, हरकतें भी हैं मेरी डांट खाने वाली। तो खैर ये बात हो गई दीदी को बधाई देने की। अब आज का मुद्दा बहुत ही डिप्लोमेटिक टाइप का है। सबसे पहले तो आर्यन खान को रिलेटेड जो भी मुद्दा था वो दीदी ने बता दिया। एक कोई श्रवण नाम के हैं कैदी जो आर्यन खान को खाना परोसते थे उसमें जेल में, उनका कल ही वो रिहा हुए हैं जेल से, तो मैं उनका वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, उन्होंने बताया कि आर्यन खान जेल के अंदर क्या कर रहे हैं। अब ये कितना सही है कितना गलत है तो भगवान जाने, बट मुझे लगा कि शायद मुझे शेयर करना चाहिए। तो मुद्दा यह है कि उन्होंने बताया कि बोले आर्यन खान जब से जेल में आया है तब से सिर्फ बिस्किट पर ही वो टिक रहा है। घर से उसको एक मनी ऑर्डर आया था 4500 रुपये का, जिससे उसने कैंटीन से चाय वो बिस्किट और चिप्स लिए हैं, तो वो चिप्स भी खुद नहीं खाता है, वो पास वाले कैदी को देता है। शायद जेल में ये एक ऑर्डर रहता है, एक नियम होता है कि अगर आप को वो खाना नहीं जमता है तो आप आगे वाले कैदी को दे सकते हैं। तो सुबह जो खाना मिलता है दाल चावल रोटी और सब्जी, तो वो दोपहर के जो खाने में मिलता है तो वो आर्यन खान लेता ज़रूर है लाइन में लग के, बकायदा कैदी नंबर 956 बन के बकायदा लाइन में लेकर उस खाने को लेता है वो, पर वो खाता नहीं है, वो आगे कैदी को दे देता है कि आप खा लो। फिर रात को डिनर के टाइम पर भी ऐसा ही करता है। तो खाना तो उसने खाया ही नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग एक दिन उसने चाय पी थी जेल की, उसके बाद बिस्किट लेता है, वो बिस्किट पानी में डुबो के खाता है। मतलब आप सोचो कि बादशाह का बेटा जिसका जिसके पिताजी का नाम जो है बुर्ज खलीफा पर मेंशन होता है जब उनका बर्थडे होता है, उनका बेटा आज किस लेवल पर है। तो बिल्कुल दीदी ने सही बात बोली कि यंगस्टर्स को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। मैं भी यंगस्टर हूँ, मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर भी यंगस्टर हैं, और मैं कभी उन चीज़ों में नहीं गया और मुझे लगा भी नहीं कि मुझे इन चीज़ों में जाना चाहिए। हाँ कुछ बीच में कुछ गलत हरकतों में पड़ गया था मैं, वो मैंने एक्सेप्ट करता हूँ मैं कि मैंने बहुत गलत हरकतों में आ गया था बीच में, पर फिर समय रहते रहते मुझे वो चीज़ समझ में आ गई
कि नहीं यार ये अपनी चीज़ को लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है. सो आई गेस हमें इसे मुझे इसे स्किप कर देना चाहिए. और किसी ने मुझसे भी पूछा भी था कि बोले हर्ज भैया आप तो जो है हमेशा अपने बारे में बात कम ही करते हो, आप मुद्दों के बारे में बात करते हो, आप कम ही अपने बारे में बात करते हो. तो मैंने मेरी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव किया नहीं है अभी तक कि मैं अपने बारे में कुछ बातें करूं. हाँ जिस दिन अचीव करूंगा उस दिन बिल्कुल ढिंडोरा पीट कर बताऊंगा कि हाँ मैंने ये किया है. वैसे जिन्होंने ढिंडोरा नहीं देखी वो जाके ढिंडोरा देखें, बहुत बढ़िया मूवी है बी बी के वाइंस की, भुवन बम की. भुवन बम के हम सभी फॉलोअर्स हैं, हम सभी सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो प्लीज़ ढिंडोरा को देखिए. हालांकि मुझे इसका कोई पैसा नहीं मिलेगा ढिंडोरा को प्रमोट करने का, बट स्टिल बहुत अच्छी मूवी है वो, बहुत अच्छा लेकर आए हैं वो, एक छः मतलब सीरीज़ के तौर पर लेकर आए हैं, तो बहुत अच्छा है वो. स्टोरी बहुत अच्छी लगी मुझे, फैमिलियर है वो, ऐसा कोई उसमें मुझे नहीं लगा. आगे आ सकता है माइट भी, बट मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं उसमें कि आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते हो. तो प्लीज़ जिन्होंने ढिंडोरा नहीं देखी वो बीबी के माइंड को सब्सक्राइब करें और जाके देखें, बहुत अच्छी मूवी है. सो मुद्दा यही है कि भाई यंगस्टर्स को इन चीज़ों के बारे में सोचना होगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं. ड्रग्स आपको किस लेवल पर ले जाके डिस्ट्रॉय कर सकता है आपकी लाइफ को, ये आपको सोचना पड़ेगा. नहीं तो आप अपनी लाइफ के साथ बहुत वाहियात हरकतें कर बैठे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो इंस्टेंटली आपको फ़ायदा देती हैं वो कुछ समय के लिए देती है. हमेशा याद रखिए कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ बनना है, कुछ सक्सेसफुल की राह पर चढ़ना है, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, आप हारेंगे, आपको झटका लगेगा, आप ठोकर खाएंगे, पर वो सारी चीज़ें आपको लाइफ में आगे जाकर जब आप सक्सेस हासिल करोगे आपको समझ में आएगी कि यार मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा. आप विराट कोहली को फॉलो करते हैं, आप हार्दिक पांड्या को फॉलो करते हैं, या फिर एमएस धोनी को फॉलो करते हैं, या फिर आप स्मृति मंदाना को फॉलो करते हैं, महिलाओं क्रिकेट को, जिनको भी आप फॉलो करते हैं, डजंट मैटर कि आप क्रिकेटर को फॉलो करें, आप जिसको भी फॉलो करते हैं, आप उनकी लाइफ जर्नी के बारे में पढ़िए कि वो किस लेवल पर आकर अपनी लाइफ को फेस कर चुके थे. विराट कोहली अपने एक मैच के पहले अपने फादर को गंवा चुके थे, फिर भी उन्होंने मैच कंटिन्यू करा क्योंकि वो उनके फादर का सपना था. वो अपने गोल को लेकर निश्चित थे कि नहीं मुझे चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपना गोल हासिल करना है. तब अगर आज वो बंदा एटीट्यूड दिखा रहा है तो वो डिज़र्व करता है एटीट्यूड दिखाना भी. आप जब कुछ बन जाओ, आप जब कुछ हासिल कर लो, आप जब उस लेवल पर पहुँच जाओ कि हाँ मैं सक्सेस हो गया, तो आप एटीट्यूड रखो, पर एटीट्यूड भी उतना ही रखो जितना कि मायने रखता है. हद से ज़्यादा एटीट्यूड और अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें. एक और मैं कुछ बात बताने वाला था. हाँ मुझे एक और चीज़ भी समझनी थी, वो मैं अपने अगले वीडियो में उस मुद्दे को उठाऊँगा कि हाँ मुझे आप लोगों से जाननी थी कि अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, अगर किसी लड़की के साथ किसी ने कुछ गलत किया है जो कि उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, आप समझ सकते हैं कि क्या बोलना चाहता हूँ मैं, तो उसमें लड़की की इज्जत कहाँ गई. भाई बदतमीज़ी तो उस लड़के ने करी, छेड़खानी उस लड़के ने करी और गलत काम उस लड़के ने करा, तो इज्जत उस लड़के की गई ना, क्योंकि उसको संस्कार गलत मिले हैं. हु हैव डेवलप दिस रूल कि अगर कोई लड़की के साथ कोई लड़का बदतमीज़ी कर रहा है तो उससे लड़की की इज्जत चली गई. अगर आप लोग के पास इस सवाल का जवाब है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि लड़की के साथ हुई छेड़खानी से लड़की की इज्जत कैसे चली गई, या समाज वाले कैसे ही बात को कह सकते हैं कि लड़के की बेइज्जती से लड़की की इज्जत चली गई. प्लीज़ इस मुद्दे को सीरियसली लीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाने हैं इस चैनल पर जो मैं चाहता हूँ कि लोगों तक कनेक्ट हो, इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए. तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को पसंद करिए और मुझसे कनेक्टेड रहिए. बाकी तो वंस अगेन मूवी का दी कंग्रेचुलेशंस फॉर योर 1 लाख सब्सक्राइबर, एंड आई विश कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर हम दोनों साथ में मिलकर पार्टी बनाएं. तब तक के लिए जय हिंद.